नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विन्या और एक बार फिर से वेलकम है आपका आपके ही चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुलाब की केयर, जिससे आपके गार्डन में भी ढेरों फूल खिल सकें। और ये बहुत ही बेस्ट टाइम है गुलाब की केयर करने का, फर्टिलाइज करने का और प्रूनिंग करने का। अगर अभी आप अपने प्लांट को अच्छे से फर्टिलाइज कर लेते हैं तो यकीन मानिए, आने वाले टाइम पे आपका गुलाब का प्लांट पूरा फूलों से भर जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। तो मैं इसके साथ साथ आपको फर्टिलाइज़र भी बताने वाली हूँ, और जो फर्टिलाइज़र मैं ऐड करूँगी, अगर आपको वो लोकल मार्केट में नहीं मिलता है तो सारी चीज़ों का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से चेक करके आप उसे ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो है आपको अपने प्लांट पर, ये देखिए ये मेरा प्लांट है, तो इसमें जितनी भी बेकार ये लीव्स पड़ी हुई हैं इनको निकाल देना है, क्योंकि ये आपके प्लांट की ग्रोथ को रोक देती है। और जो भी हम फर्टिलाइज़र उसमें ऐड करते हैं तो पूरा नीचे तक नहीं पहुंच पाता है, और इसके बाद हम अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई कर देंगे। मैं हमेशा गुड़ाई करती रहती हूँ, और तभी आप देख सकते हैं कि मेरे प्लांट पर कितनी अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से गुड़ाई कर ली है, और अब हम इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने ली है, देखिए ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट को चाहिए ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप फुली डिकम्पोस्ट काउडंग भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने लिया है 100 से 150 ग्राम, और दो प्लांट के लिए मैंने इसको लिया है। इसके अलावा हम लेंगे देखिए बोनमील। बोनमील एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, इसका इफ़ेक्ट 2 से 3 महीने तक रहता ही रहता है। तो अगर आप इसे अभी यूज करते हैं तो 3 महीने तक आप फिर बोनमील ना दें। तो इसको मैं 2 चम्मच के करीब लूँगी अंदाजे से, ये देखिए। और इसके साथ साथ मैं ले रही हूँ ये एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट को मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं। ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने में, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को अच्छा करता है, और पौधों में जो फूलों की उगाने की प्रक्रिया है उसको भी तेज करता है। तो फ्लावर की क्वांटिटी भी आपके प्लांट में बहुत ही ज़्यादा आती है। तो इसको मैं 1 चम्मच लूँगी, ज़्यादा नहीं लेना है आपको, अंदाजे से ले रही हूँ मैं 1 चम्मच। और इसके अलावा हमें लेना है ये देखिए नीम खली, ये देखिए नीम खली है। नीम खली प्लांट में फंगस को नहीं लगने देता है, जितने भी कीड़े मकोड़े लग जाते हैं उनको हटाने में मदद करता है, और एक अच्छा फर्टिलाइज़र भी है और एक अच्छा फंजीसाइड भी है। तो इनको मैं ऐड करने वाली हूँ, फिर आगे की प्रक्रिया आपको बताती हूँ। तो ये अब हम अपने प्लांट पर अच्छी तरीके से इसे ऐड कर देंगे, ये देखिए, और इसे आप मिक्स कर दीजिए। और मैं हाथ से ज़्यादा अच्छा रहता है मेरे को। इस तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास इप्सम सॉल्ट नहीं है तो आप DAP के 2-4 दाने डाल सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें अच्छी तरीके से वाटरिंग कर देंगे। हमने अपने प्लांट को तो फर्टिलाइज कर दिया, मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा उर्वरक बना दिया है। अब हम अपने जो प्लांट की पत्तियां हैं उनमें हम फॉलियर स्प्रे करेंगे, जो प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है, जिससे फ्लावर भी बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। तो उसके लिए लिया है देखिए मैंने 1 लीटर पानी ये, और इसमें मैं इससे पहले भी आपको वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, इससे फूल बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी में आते हैं। तो ये है एग्रोमिन का माइक्रो न्यूट्रिएंट लिक्विड, इसमें जिंक, आयरन, कॉपर, बोरोन है। ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मैं इसकी देखिए ये इतना चम्मच आपको लेना है, इतनी क्वांटिटी में हम इसे 1 लीटर पानी में मिलाएंगे अच्छी तरीके से। और मैं हमेशा
इसको देखिए इस तरीके से मिलाने के बाद 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ, जिससे उसका जो असर होता है वो पानी में हो जाता है। और इसके बाद हम इसे अपनी पत्तियों में देंगे। तो देखिए इस तरीके से हम इसका स्प्रे अपने प्लांट की पत्तियों में करेंगे, तनों में करेंगे। और इसके अलावा ये बेस्ट टाइम है प्रूनिंग करने का। तो ये देखिए मेरा प्लांट अभी छोटा है, लगभग 2 साल का ही है, तो ये ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, तो इन्हें हार्ड प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इंग्लिश गुलाब में तो भूलकर भी आप ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग ना करें, तो आपके प्लांट में डाईबैक की समस्या हो सकती है, जिससे आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहें तो देखिए उसका नतीजा ये होता है, नई नई ब्रांच निकलती हैं और ढेर सारी कलियाँ उसमें आती हैं। और देखिए ये मैंने प्रून करा था। और इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है, देखिए ये हार्ड प्रूनिंग का नतीजा है, ये पूरा डाईबैक की समस्या से ग्रसित हो गया है। तो इसके लिए मैं एक काम करने वाली हूँ, वह भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपकी भी स्टेम इस तरीके की हो गई हैं तो आपको करना है, तो उसके लिए देखिए ये लिया है मैंने फंजीसाइड। ये सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट दोनों फंजीसाइड है। मैंने इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों बताए हुए हैं एक वीडियो में, आप उसे ज़रूर देखें मेरे चैनल पर जाकर। तो इसको मैं ले रही हूँ इतना, देखिए इतना लेना है आपको। अब इसमें मैं हल्का सा पानी ऐड करती हूँ और इसका हमें पेस्ट बनाना है। ये देखिए इस तरीके का पेस्ट बनाना है। तो देखिए ये मैंने पेस्ट लिया है और ये देखिए ये जो डेड लीव्स हैं इनमें हमें इस तरीके से इसे लगाना है। और मैंने कई प्लांट इस तरीके से अपने बचाए हैं। पूरा आपको कवर कर देना है इससे, और जो हमने सॉफ्ट प्रूनिंग करी थी उसके ऊपर भी आपको इसको अप्लाई करना है इस तरीके से। ये देखिए तो इस तरीके से आपको अपने पूरे जो भी इस तरीके की स्टेम हैं उन पर लगा देना है। जिसे उन्हें रिकवर होने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। और हर 15 दिन में आपको इसका स्प्रे अपने प्लांट पर करना है। उसके लिए आप 1 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें आधा चम्मच फंजीसाइड मिला लीजिए और उसका स्प्रे आप अपने प्लांट पर करें। तो ये एक कीड़ों को भी मारता है जो गुलाब में बहुत ही ज़्यादा लगते हैं, वो एफिड्स जिन्हें माहू भी कहते हैं, तो उनको रोकने में भी मदद करता है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप अपने प्लांट को अच्छी तरीके से पानी दीजिए जब उनमें ज़रूरत हो, और मिट्टी में इसकी हल्की नमी बनी रहनी चाहिए। तो ये आपको ज़रूर करना है और आपके प्लांट भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेंगे अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं। तो मैं तो इन्हीं टिप्स को फॉलो करती हूँ और आप मेरे प्लांट देख ही सकते हैं कि कितने हेल्दी हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।